नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची घर को छोड़कर निकल जाती है, वहीं पे ही बात की जाए तो जैसे ही सबे पता चलेगा कि प्राची घर छोड़कर निकल चुकी है, वहीं पे आप लोग देख पाएंगे कि रणबीर की मॉम यानी कि पल्लवी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। उसके साथ साथ में रिया और आलिया काफ़ी ज़्यादा जो कि खुश होती हुई नज़र आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही रणबीर के फादर और रणबीर की दादी को पता चलेगी, वो बहुत ही ज़्यादा जो कि अपसेट नज़र आने वाले हैं। वहीं पर ही रणबीर की बात की जाए तो रणबीर एक बार फिर से प्राची से माफ़ी मांगने और प्राची को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ेगा। ये भी कहता हुआ नज़र आएगा कि इन सब की जो जिम्मेवार है कोई और नहीं बल्कि वो खुद अपने आप को जिम्मेवार साबित कर रहा है, क्योंकि वो बोलता हुआ नज़र आएगा रणबीर अपने आप को कि आज मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर मैं ही प्राची का सभी के सामने खुलिया सपोर्ट करता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में जहाँ रणबीर ढूंढ लेगा प्राची को और प्राची को ढूंढने के बाद में वो बोलता हुआ नजर आएगा प्राची से कि प्राची, अगर तुम्हें उस घर नहीं जाना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उस घर को त्याग सकता हूं तुम्हारे लिए। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि रणबीर इस समय सबसे ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा है और अपने फादर से बोलता हुआ नज़र भी आएगा कि अगर प्राची इस घर में नहीं रहेगी तो मेरा भी इस घर में क्या काम है, मैं भी इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिसके बाद में रिया को बहुत ज़्यादा जलन होगी कि आखिरकार ये प्राची के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। हालाँकि सभी लोगों को धीरे धीरे ही पता चल चुका है कि प्राची भी प्रेग्नेंट हैं और प्राची का बच्चा जो कि जल्दी ही इस में आने जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि रणबीर प्राची से बेइंतहा प्यार करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्राची और रणबीर काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ में हैं। लेकिन दोस्तों, अब प्राची से बोलता हुआ नजर आएगा रणबीर कि प्राची मेरा विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरे साथ चलो। साथ ही दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।